हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन विक्रम में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर का जो बिजली का मीटर होता है उससे आप क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हो और क्या क्या नहीं चेक कर सकते हो, वो मैं इससे आपको बताने वाला। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये एक मीटर है जो कि हमारा बिजली का मीटर होता है, वो ये जो एनर्जी मीटर है वही मीटर है जो हमारे घर पर लगा रहता है। तो इसमें आप क्या क्या चेक कर सकते हो कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं, कितने एम्पियर लोड चल रहा है, ये कितना लोड चल रहा है हमारे, तो वो सब आप इसमें पता लगा सकते हो। तो इसके लिए हमें ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी डिजिटल डिस्प्ले है, ये एकदम न्यू मीटर है, बिल्कुल एकदम नया है, हमने अभी जस्ट चालू किया है। तो ये देखिए आप इसकी जो वर्तमान रीडिंग है वो 0.0 है, ये जो KW होती है ये इसकी रीडिंग होती है। और ये देखिए आप इसमें ये जो ब्लिंकिंग कर रही है इससे पता चल रहा है कि आगे लोड हमारा चालू है। तो पहले मैं आपको इसमें से बता देता हूँ कि किस तरह से आप वोल्टेज एम्पियर चेक कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे ये साइड में ये बटन है, इसको आपको दबाना है। ये देखिए जैसे ही दबाया ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले पे कुछ चेंज हो गया है। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से इस चेंजेस होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें टाइम बता रहा है अभी 10:57 और ये 57 सेकंड हो रहे हैं। और इसके बाद आप ये इसका जो वर्तमान रीडिंग है वो बिल्कुल अभी 0 है क्योंकि ये न्यू मीटर है। ये आप देख सकते हैं CU यानी कि कंजप्शन होता है। ये देखिए ये इसके मीटर नंबर है, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर भी आप मैच कर सकते हैं, ये और ये इसके मीटर नंबर है। और ये देखिए ये यहाँ पर 227 वोल्टेज, ये ऊपर जो V लिखा हुआ होता है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप सिंगल फेज हमारा मीटर है, तो यहाँ पे 227 वोल्टेज यहाँ पर हमें यहाँ पर इस मीटर के अंदर सप्लाई मिल रही है, यानी कि ये मीटर में 227 वोल्टेज दे रहा है। और इस तरह से आप देखिए ये देखिए 0.95 यानी कि 6 एम्पियर के लगभग इसमें लोड चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो हीटर है ये 6 एम्पियर करंट ले रहा है अभी वर्तमान में, तो इससे आप ये चेक कर सकते हो। ये देखिए इससे आपको इसको दबा के ऐसे छोड़ के वापस ये वोल्टेज बता रहा है, ये यहाँ पर जो ए लिखा होता है ये एम्पियर होता है। ये देखिए और ये 1360 किलोवाट का है, ये यानी कि ये जो हमारा हीटर है वो 1300 किलोवाट का, जो इसकी जो रोड है वो 1360 किलोवाट की रोड है, यानी कि किलोवाट 1000 किलोवाट से ऊपर है। ये देख सकते हैं आप 1363 KW। इस तरह से आप इस मीटर से ये चेक कर सकते हैं, डेट भी चेक कर सकते हैं, टाइम वोल्टेज ये सब आप इससे चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये लोड इतना बता रहा है और ये इसका रीडिंग तो बिल्कुल 0 है। ये देखिए ये इसके अंदर जो जो फंक्शन है वो सारे इसमें बता रहा है, ये देख सकते हैं। आपको इसको दबाते जाना है आपको सब मिलता जाएगा आगे, ये वोल्टेज हो गया, ये एम्पियर हो गया, ये इसका लोड हो गया किलोवाट में, ये जो लोड चल रहा है ये तक लोड चल रहा है अभी। और ये देखिए तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।